डे okay, so so, की जहां पे फिर से एक बार मैं आपके लिए ज्योग्राफी क्विज लेकर के आया हूं दोस्तों हर शाम आठ बजे हमारी एक क्लास होती है ये क्विज होती है सो so, डे नंबर नाइन में आप सबका स्वागत है और आज भी हम आपके लिए पांच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं ज्योग्राफी पे तो दोस्तों अगर आप इन क्लासेस के अलावा मेरे फ्री जोग्राफी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी अनलॉक यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर जाए सब्सक्राइब कीजिए वहां हर शाम को मैं आपके लिए फ्री ज्योग्रफी एनसीआर क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ दोस्तों आपको बहुत फायदा होगा और साथ ही साथ में आप मेरी बुक जोग्राफी एनसीआरटी प्लस को भी रेफर कर सकते हैं प्रिलियम्स और प्रिलियम्स एंड मेंस इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ जोग्राफी आप जरूर चेकआउट कीजिए इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही साथ में आप इस जो हम पूरा वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो का बाद में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाए उसे ज्वाइन कर टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर वन के साथ क्वेश्चन नंबर वन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दरिजन ऑफ साइक्लोन बे ऑफ बंगाल रीजन बताइए कौन से कौन कौन से फैक्टर हैं

जो रिस्पांसिबल है बे ऑफ बंगाल आप जानते हैं ऑफ बंगाल में आते sea, right? एक दो साल से बट uh, यहाँ पे जो अगर आपका आंसर आ गया देखिए फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ बिल्कुल सही है ये साइक्लोन के लिए हमें एक तो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया चाहिए बिकॉज साइक्लोन्स आर नथिंग बट द लो प्रेशर सिस्टम्स सर्फेस एरिया 27 डिग्री सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे ज्यादा हो तो और बेटर है क्योंकि लो प्रेशर को फर्दर लो करने में मदद करता है क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर हाई उतना ज्यादा जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई उतना ज्यादा प्रेशर लो ठीक है कुरियोलिस बहुत जरूरी है कुरियोलिस नहीं होगा तो साइक्लोनिक वॉर्टेक्स नहीं बनेगा आपका ये घूमेगा नहीं साइक्लोन क्योंकि अब आप, अब आपको आपने पढ़ा भी होगा कि साइक्लोन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं मूव करते हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर में अलग और सदर्न हेमस्फेयर में अलग डायरेक्शन में नॉर्दर्न नॉर्दर्नर में एंटी क्लॉक ये मूव करते हैं और सदर्न हेमिसफेयर में क्लॉक मूव करते हैं उसके लिए है बट द ओनली प्रॉब्लम इन दिस स्टेटमेंट नंबर थ्री बिकॉज हाई वेरिएशन अगर होगी वो भी वर्टिकल स्पीड में ये हमेशा इंटरफेयर करेगा ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा सिस्टम को डिसरप्ट करेगा तो हमें हाई वेरिएशन वर्टिकल स्पीड नहीं चाहिए मिनिमम चाहिए ज्यादा होगी तो हमको नुकसान होगा साइक्लोन नहीं बन पाएगा इस so केस में जो है विल बी सी क्वेश्चन नंबर टू इज अबाउट द पोलर वोटेक्स पोलर वोटेक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बतानी है फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है पोलर वोटेक्स जो है एक वर्लिंग कोन है लो प्रेशर का ओवर द पोल्स ज स्ट्रॉन्गेस्ट इन विंटर मंथ ड्यू टू इनक्रीज टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पोलर रीजन एंड मिड लैटी तो पोलर वोटेक्स एक ऐसा लो प्रेशर सिस्टम है पोल्स के ऊपर जो विंटर में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज पोलर रीजन में और मिड लैटीट्यूड में ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर होता है पोलर बहुत ठंडे और मिड आपके मॉडरेट रहते हैं पोलर वोटेक्स स्पिन करता है स्टार्टो स्वेयर में और तीसरी स्टेटमेंट कहती है जब भी वोटेक्स स्ट्रांग होता है कोल्ड एयर लाइकली प्लज डीप इन टू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप इन तीनों में से आपके हिसाब से सही स्टेटमेंट क्या है अपना आंसर ए बी सी या डी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में सिर्फ पंद्रह सेकंड का समय आपके पास दोस्तों पोलर वॉटेक्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी के एग्जाम में आ सकता है इस, इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं दोस्तों और मेरे और हाँ मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है अन के ऊपर सो अन के ऊपर टेंथ नवम्बर को याद रखें शाम छह बजे से स्टार्ट होगा हमारा नया फिजिकल जोग्राफी कोर्स अगर आपको एनरोल करना है सब्सक्राइब करना है प्लस को तो मेरा रेफरी कोड आशीष एम लाइव या आशीष मलिक आप इस रेफरी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट और सेकंड सही है जो पोलर वोटेक्स है हमारा स्टेटोसफेयर स्टेटोसफेयर हमारी जो सेकंड लेयर है एटमोस्फेयर की जो आपकी थर्टीन किलोमीटर से लेकर के और 50 किलोमीटर तक की हाइट पे प्रेजेंट होती है तो पोलर वोटेक्स स्पिन करता है स्टार्ट में थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है थर्ड स्टेटमेंट के गलत होने का रीजन ये है कि जब भी पोलर पोलर हमारा होता है है ठीक स्ट्रॉन्टेक्स के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब इट इज लेस लाइकली टू प्लंज डीप इन टू नॉर्थ अमेरिका एंड इन अदर अदरवर्ड्स इट फॉर्म्स अर इट फॉर्म्स अ वॉल दैट प्रोटेक्ट द मिड लैटिट्यूड फ्रॉम कोल्ड आफ्टेकियर जितना ज्यादा पोलर वॉटेक्स स्ट्रॉन्ग होगा एक दीवार की तरह काम करेगा उतना कम हवा ठंडी हवा उतना कम जाएगी यूएस में और यूरोप के अंदर ठीक है उतना ज्यादा नहीं जाएगी उतनी लेस लाइकली टू तो क्लंच है तो ये आपको ध्यान रखना है तो थर्ड स्टेटमेंट गलत आंसर आपका होगा ए ओनली फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये आपका जियो का सवाल है क्वेश्चन है अबाउट डिसकॉन्टीन्यूटी इन साइड दी अर्थ

उसके बीच में से अगर सिस्मिक वेव क्रॉस करेगी तो डेफिनेटली दोस्तों उसकी स्पीड में डायरेक्शन में, में, में फर्क आता है, जब 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 है कुछ कुछ क्योंकि एक मैटर मान लीजिए सॉलिड ज्यादा है दूसरा लेस सॉलिड है तो उसमें भी फर्क आता है स्पीड जितना ज्यादा सॉलिड होगा उतनी ज्यादा स्पीड होती है तो डिसकॉन्टिन्यूटी बेसिकली ये आप डिसू इसको कहेंगे इस लेयर को जहां जिस जिस लेयर के बाद दो मटेरियल्स की डेंसिटी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड अब तीन दी है आपको बताने है कौन सी करेक्ट है एक ट्रांजिशन जोन है है मेंटल और कोर के बीच में गटनबर्ग जो है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में लेमन डिस्कॉन्टिन्यूटी ट्रांजिशन है आउटर इनर कोर के बीच में बताइए तीनों में से सही स्टेटमेंट क्या है आपके लिए ए बी सी आर डी ऑप्शन आपके सामने जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा देखो भाई डिसकॉन्टिनिटीज बहुत है ठीक है मोहरोविटिनिटी आपको मिलती है थर्टी फाइव किलोमीटर के डेप्थ पे गटनबर्ग मिलती है ट्वेंटी फोर्टी थ्री हंड्रेड डेप्थ किलोमीटर डेप्थ पे मिलती है लेमन डिस्कॉन्टिनिटी अब आप सब समझते हैं कि थर्टी फाइव किलोमीटर पे जो ट्रांजिशन होता है वो मेंटल और कोर का नहीं होता वो आपका होता है क्रस्ट और मेंटल का तो जहां क्र जो हमारी क्रस्ट होती है फर्स्ट लेयर ऑफ दी अर्थ उसकी एवरेज डेप्थ 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर के बाद चेंज हो जाता है मेंटल शुरू हो जाता है सेकेंड पार्ट तो उन दोनों बीच के बीच का ट्रांजिशन जोन जिसको हम मोहरो सिंपली मोहो भी कहते हैं और गटन वर्ग जो है ये क्रस्ट और मेंटल नहीं है ये मेंटल के साथ में कोर है मेंटल और कोर के बीच में आपका डिस्टिंक्शन क्योंकि मेंटल जो है वो 35 किलोमीटर से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक होता है ये पूरा मेंटल एरिया है जो कम से कम एटी परसेंट अर्थ के वॉल्यूम को कवर करता है तो यहाँ पे दोनों गलत है इंटरचेंज हो गए है। correct, हैं आपको और बेटर अंदाजा होगा कि क्रस्ट मेंटल और कोर के बीच में कौन कौन से डिस्कंटिन्यूटीज है रेपिडी डिस्कंटिन्यूटी भी आप यहां देख रहे हैं जो 650 किलोमीटर पे होती है और ये एक्चुअली अपर और मेंटल अपर और लोअर मेंटल को डिवाइड करती है 650 से ऊपर जो है वो अपर मेंटल है 650 के नीचे जो है वो लोअर मेंटल है अपर मेंटल जो है इसमें खास लेयर होती है जिसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर को हम कहते हैं द स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा जितना भी मैग्मा है सब इसी एस्थेनोस्फीयर में जमा होता है एस्थेनो का मतलब होता है वीक ये एक वीक जोन है जो आपका सेमी सॉलिड होता है यहीं से सारा मैग्मा सोर्स होता है अर्थ पे जाता है ठीक है वही अगर डिटेल पढ़ना है दोस्तों तो डिटेल के लिए आप अन अकाडमी पे मुझे सब्सक्राइब कर लें वहां पे सारे के सारे लेक्चर जो है आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन फोर इज अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जल्दी से मुझे बताएं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ध्यान से करेक्ट नहीं पूछा मैंने इनकरेक्ट पूछा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाले का नाम है एल्फ्रेड वेग्नर इसके इस, इस थ्योरी के हिसाब से जो मोमेंट है फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट वो पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स इनमें से से आपके हिसाब से कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है बहुत सिंपल सा सवाल पांच सेकंड में आंसर आना चाहिए जल्दी से मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर डाल के ए बी सी या डी और दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को तो प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरी बुक ज्योग्राफी एनसीआर प्लस को भी खरीदिएगा ज्योग्राफी एनसीआर प्लस में एमसीक्यूज भी हैं और आपके मेंस के भी क्वेश्चन है सब आपको मिलेगा एक वन सिंगल बुक के अंदर यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो आंसर आपका डी होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है 1912, 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी जिसमें उसने बताया था कि भाई पहले सारे का सारा जो लैंड मास था वो इकट्ठा था जुड़ा हुआ था जिसको कहते थे पेंजिया और पेंजिया के अराउंड हम देखते थे पेंजिया के अराउंड सारा जो आपका वन ग्रेट ओशन था वो आपका था जिसको कहते थे पेंथलासा इसे पेंथलासा के नाम से जानते थे बाद में पेंजिया टूटा पेंजिया के टूटने के बाद बीच में तैतीस सी आया पेंजिया ऊपर बना नीचे बना अंगार जो है गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड फर्दर ब्रेक हुआ तो आपका साउथ अमेरिका इंडिया अफ्रीका मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया बना लॉरेशिया जब ऊपर से ब्रेक हुआ उससे आपका नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया आपका बना तो इस तरह की जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों वन ऑफ़ द फंडामेंटल थियोरी है हालांकि आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा फेलियर था इस थ्योरी का कि इसने कहा था कि पोलर फ्लिंग फोर्स जो रोटेशन की वजह से बनती है और टाइड फोर्स जो है टाइडल फोर्स जो मून और सन की वजह से बनती है शायद उनकी वजह से कॉन्टिनें ड्रिफ्ट हुए हैं बट आज आपको पता है कि ये बहुत ही कमजोर फोर्सेस हैं ये दोनों बहुत कमजोर हैं ये ड्रिफ्ट नहीं कर सकती तो ये आज जाकर के इनकरेक्ट हुआ लेकिन थ्योरी के हिसाब से तो ये करेक्ट है तो आंसर आपका डी होगा आपसे एक एक्स्ट्रा एक सवाल मैं पूछता हूँ आप मुझे बताओ कि रियल में एक्चुअल में आप इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको पता होगा कि रियल में व्हाट कॉज द ड्रिफ्ट किस को, कौन सी फोर्स की वजह से जो है ड्रिफ्ट कॉज हुई थी वॉट एक्चुअली कॉज द ड्रिफ्ट आपको बताना है आपके पास जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मुझे आंसर दीजिएगा कि एक्चुअल में ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुई थी आप मुझे बताएं चलिए आपका स्पीड ऑफ सुनामी सुनामी जो स्पीड ऑफ सुनामी है किस चीज पर डिपेंड करती है क्वेश्चन का आंसर लिख करके मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों यहां पे देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड नहीं करती सुनामी ना ही डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव पे करती है ना एमओ पे ये सब डिपेंड करता है ओशन वेव ओशन डेप्थ पे जितना शैलो होगा जितना पानी जो है ओशन शेलो होगा उतनी ही ग्रेट हाइट बनती उतनी ज्यादा हाइट पे जाएगी जितना ज्यादा डीप होगा उतनी श, उतनी ही हाइट कम जाएगी आपकी ठीक है तो अगर शेलो डेप्थ है तो बहुत ज्यादा ऊंची सुनामी जाती है दोस्तों कभी कभी तो सुनामी 16-16 मीटर तक 15-15, 16-16 मीटर तक चली जाती है आप इस बात को देख सकते हैं और वैसे सुनामी का कॉज क्या करता है जो भी आपका अंडर वाटर अंडर वाटर आपका अर्थक्वेक हो या अंडर वाटर आपका हो वो ट्रिगर करता है जनरेट करता है सुनामी को सुनामी जो वर्ड है सुनामी वर्ड, वर्ड जापानीज वर्ड है जिसका मतलब ही होता है हार्बर वेव्स हार्बर वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनका जो इफेक्ट है ये शोर पे आता है इतनी स्पीड से आती है शोर पे और एक के बाद एक बैक टू बैक बैक टू बैक बहुत सारी टाइम नहीं मिलता वेव्स को वापस जाने का इसलिए अप हो जाती है पानी की दीवार जैसे को खड़ी हो जाती है जो पूरे कोस्टल एरिया को डुबो सकती है तो दोस्तों ये थे आज के पांच क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे बाकी मेरे वीडियोज को देखना मत भूलिए अन अकेडमी अनलॉक यूपीएससी हर शाम पांच बजे लाइव जहां पे ज्योग्राफी एनसीईआरटी की फ्री क्लासेस आपको मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों ये बुक को भी रेफर कीजिएगा एमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक और फुली सॉल्व बुक है ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस बाकी हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम टेंथ ऑफ नवंबर के ऊपर अन अकेडमी के नए बैचेस को सब्सक्राइब करते वक्त आशीष मलिक रेफरल कोड का आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा दोस्तों और ये हमारे जो बेस्ट फैकल्टीज हैं आपको टेंथ को पढ़ाने वाले हैं इन बैचेज में मैं आपको जॉग्रफी पढ़ाऊंगा बाकी जो हमारे टीचर्स हैं सभी लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी बायोलिंग सब आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों तो यहाँ से फिजिकल जोग्राफी जो है आप मेरे साथ पढ़िए इस टेंथ नवम्बर के बैच में मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा बाकी बाइल टीचर भी हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों ठीक है तो मिलते हैं हमारे अन अकेडमी के बैचेस में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अन अकेडमी की फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप एंजॉय कीजिए एनरोल कर लीजिए एनरोल करते टाइम यही रेफर कोड आपके काम आएगा बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों हर मंडे टू फ्राइडे सुबह साढ़े ग्यारह बजे और मंडे टू फ्राइडे शाम साढ़े सात बजे दो बार आपकी क्विज होती है एक बार आपकी स्टैटिक और दूसरी बार करंट अफेयर्स की अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए उसके ऊपर ये टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि कल शाम आठ बजे जय हिंद